नींद उड़ाने का काम किया। साथियों, आज वक्त आ गया है कि इस देश में कतनी और करनी के अंतर जो करने वाले जो हमारे राज सत्ता में झूठ बोल करके, वादा करके, झूठे वादे करके राज सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और वो सत्ता में आने के जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करके, जो काम नहीं करना चाहिए वो करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा भारतीय संविधान में सबको समता, समानता, न्याय और बंधुता के आधार पर हर अधिकार दिए हैं, एक्ट बनाए गए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने आपके जीवन में किस प्रकार से खुशहाली आए, समानता आए, हर चीज का ध्यान रखा। आप सबसे बड़ा जो इस देश में जो ये लोग खेल खेल रहे हैं वो कठपुतली वाला, वो कॉलेजियम सिस्टम का है। जैसे पर्दे के पीछे बैठ करके एक कठपुतली को नचाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से केंद्र शासित भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल खेल रही है वो पर्दे के पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से आपके खिलाफ में जो भी फैसला लेना होता है उसे विधायिका से ने करा करके और न्याय प्रणाली के द्वारा करा करके इस देश के नागरिकों के ऊपर और बहुजन समाज के लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, आरक्षण का खात्मा कर दिया गया है और प्राइवेटीकरण करके रोजगार के अवसर खत्म कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अभी आपने 20 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया उस फैसले को आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने इस देश के अंदर आपने देखा है एससी एसटी और माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, ओबीसी के ऊपर तो जो अत्याचार हुए हैं, एससी एसटी एक्ट के इतने मजबूत होने के उपरांत भी देश के अंदर यूं तो विश्व में भारत देश चौथा एक ऐसा नंबर का देश है जो विश्व के अंदर जो अपराधों की संख्या हो रही है उसमें ये चौथे नंबर पर ये इसके नंबर आया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 6 गुना देश में अपराधों की संख्या बढ़ गई है और टॉप 4 नंबर पे वर्ल्ड में ये भारत देश का नाम आ गया है। और उसमें भी जब आप एससी एसटी एक्ट को देखते हैं तो एट्रोसिटी का जो मामला आता है, एट्रोसिटी के मामले में हमारा इस देश के जो अपराध है उन अपराधों की श्रेणी में ये दूसरे नंबर पर आता है। साथियों, जब पूर्व में ये एक्ट इतना मजबूत था कि इसकी मजबूती के चलते हुए भी दबंग और दबंग लोगों के, दबंग अधिकारियों की मनमर्जी चलते हुए हमारे एससी एसटी लोगों के लिए, दलित वर्ग के लिए जब न्याय नहीं मिलता था, न्याय के इतने ही दरवाजे खटखटाने के बाद भी उन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ता था, आए दिन आप देख रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ और बलात्कार के बाद में उन लोगों को जिंदा मार दिया जाता है, जला दिया जाता है और उसके बाद भी उनको सजा नहीं होती, उनके जो अपराधी सरियाम घूमते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा साथियों कि जब ये सरकार इस एक्ट को और कमजोर कर देगी और जब ये मृत मात्र ये एक्ट रह जाएगा तो ये सीधा सीधा ये केंद्र सरकार चाहती है कि इस देश के दबंग और दबंग जो अधिकारी है, अन्य वर्ग के जो अधिकारी है उनको ये सीधा सीधा खुला न्योता अपराध को बढ़ाने के लिए दे रही है। ऐसे में एससी एसटी और दलित वर्ग के समाज के जो हमारे बंधु हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी क्या आने वाले समय में हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं साथियों। तो जिसका जो आपने जवाब पुरजोर तरीके से कंधा मिला करके 2 तारीख को जो ऐतिहासिक जो प्रदर्शन आपने किया है उस ऐतिहासिक प्रदर्शन से आपकी जो आवाज बुलंद हुई है उससे इन लोगों की अब नींद जरूर थोड़ी सी खुली है। इन्होंने जैसे ही देखा ये ऐलान हुआ आपका भारत बंद का और सफल जो भारत बंद हुआ, इतिहास में पहली बार एससी एसटी माइनॉरिटी और पीड़ित वर्ग द्वारा इस प्रकार से सफल आयोजन हुआ। इस सफल आयोजन होने के बाद में
जो जुमलेबाजी करते फिरते हैं इस देश में, जुमलेबाजी के माध्यम से झूठे वादे करके और केंद्र सत्ता में जब आ जाते हैं, उन्होंने ठीक इसी प्रकार का जुमलेबाजी का भाषण ठीक कुछ दिन बाद में दिया है। साथियों, अमित शाह ने, माननीय अमित शाह जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हम एससी एसटी आरक्षण को हम खत्म नहीं करेंगे, खत्म ही नहीं हम किसी को करने भी नहीं देंगे। और सेक्शन जो 3 है जिसे कमजोर किया गया है, उस सेक्शन 3 को हम कमजोर नहीं पुनः की तरह उसे बहाल कर देंगे। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, कल ही के आपने न्यूज में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा कि जो 20 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है और भाजपा सरकार, केंद्र शासित सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कहा कि इस नियम को हम लागू नहीं करेंगे और इसकी पुनः हम विधायिका में एक प्रस्ताव लाएंगे और इस विधेयक को पारित करके इस एक्ट को पुनः मजबूत करेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है कि उस पर काम करने की बजाय भाजपा शासित जितने भी स्टेट हैं, उन स्टेटों में और केंद्र में इन लोगों ने उस नियम को लागू कर दिया है और लागू करके और इन्होंने इनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। साथियों, तो मैं ये चाहूंगा कि अभी भी हमें उनसे उम्मीद है कि ये हमें न्याय दे, आपकी ताकत, आपका जो ये एकता यूनिटी है, ये काम आए। आपने देखा है छोटी छोटी जो बच्चियां हैं 8 साल की 5 साल की 10 साल की, उनके साथ में उन्ना और ये कठुआ जैसी घटनाएं होती है, अपराधी अपराध करते हैं और सरेआम घूमते हैं। जब उनकी गिरफ्तारी की मांग होती है तो सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के अधिकारी लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, उनके बचाव में आकर के नारेबाजी करते हैं। ये कैसा भारत देश का निर्माण इस नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है साथियों, आप सोच सकते हैं। और आपने देखा है सहारनपुर के अंदर जो हमारे शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मार्च चल रहा था और इन लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने उनको रोका, जब इन्होंने अपना जो उपद्रवी मार्च निकाला तो हमारे लोगों के साथ इन्होंने मुठभेड़ की, घर में घुस करके दंगा फसाद किया। और जब न्यायिक हमने मांग की तो हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर रावण साहब, उन्होंने जब आवाज उठाई, आपकी आवाज बन करके जब वो सत्ता के सामने आए तो उन्हें देखा कि ये अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और ये न्याय की मांग कर रहे हैं, तो इन लोगों ने उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया। साथियों, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी इन लोगों को पता नहीं कौन सा भय और डर सता रहा था कि उनके ऊपर जमानत मिलने के पश्चात भी उनके ऊपर रासुका लगा करके अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से हमारे रावण साहब को जेल के अंदर में बंद रखा जा रहा है। साथियों, जो कि लोकतांत्रिक देश के अंदर एक सरासर बहुत बड़ा अपराध है। ये जो न्याय करने वाली सरकार है, जब वो ही अपराध करेगी, वो ही षड्यंत्र करेगी, तो इस देश में हम हमारी आवाज किसके सामने रखेंगे? साथियों, तो आज वक्त आ गया है फिर पुनः एकजुट होकर के इस तरीके की घटनाओं का विरोध करके। और हम ये बता देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को कि आपकी कितनी जेलें हैं, आप हमारे माननीय चंद्रशेखर रावण साहब को जो जेल में रखे हुए हैं, आपकी जेल के दरवाजे खोल लीजिए। अब इस देश का हर नागरिक, हर युवा आपके पास आने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। आप कितने को गिरफ्तार करते हो, आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरा साथियों, और भी हमारे वक्ताएं हैं, बातें और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारा मन में कुंद है। जो विधायिका देश का भविष्य बनाने के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके जो दिया है, उस पर जो चलने वाली सरकारों को हम जो बैठाते हैं, वो अपना कर्तव्य ने करके कठपुतली की तरह अपने नियमों को जो थोप करके जनता के सामने पेश करती है, उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से करती है। ये कॉलेजियम सिस्टम इस देश में खत्म होना चाहिए साथियों, और कॉलेजियम सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, आपकी न्याय की आवाज बुलंद नहीं होगी, आपके हक अधिकार का कभी सुरक्षित अधिकार आपका नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमें पुरजोर एकजुट होकर के कंधा से कंधा मिला करके इसमें मिशन में साथ देना चाहिए साथियों। और भी हमारी मांगे हैं, हमारे जो आज इस 2 तारीख के मिशन में जो हमारे
शहीद हुए हैं, 11 हमारे साथी, उन्हें सरकार के द्वारा, राज्य केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें एक घर में एक परिजन को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और ये यदि नहीं होगा तो इनके लिए हम एक आह्वान करना चाहते हैं, अपने जेल के दरवाजे खोल के रखिए, हम आपकी जेलों में आने के लिए तैयार हैं। इतना ही कहना चाहूंगा साथियों।